सो टुडे आवर कंसर्न इज एरिया। एक क्वेश्चन होगा बोर्ड में, उसकी वेटेज होगी 6 मार्क्स। वन क्वेश्चन एरिया, उसकी वेटेज है आपकी 6 मार्क। तो एरिया में सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए कि ग्राफ के कैसे कैसे प्लॉट होंगे। ग्राफ इन द सेंस कि स्ट्रेट लाइन का है, सर्कल का है, पैराबोला है, एलिप्स है, एंड सो ऑन। इसको कैटेगराइज किया, फर्स्ट लिखा मैंने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप शुरू से बनाते चले आ रहे हैं, 9, 10, 11 फिर से कर लेते हैं एक बार। 3x + 4y = 12 लिखा है जैसे, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? आप अपना ब्लॉक बनाएंगे, सेम मेथड, x लिखेंगे, y लिखेंगे, x की जगह 0 पुट किया तो ये पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो 4y = 12, y आ जाएगा 3, y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4, तो पॉइंट आ गया 0, 3 और 4, 0, और सीधे अपना यहाँ प्लॉटिंग एरिया में आ जाएंगे। x 0 है, y आपका 3 है, तो ये रहा 0, 3 और ये रहा आपका 4, 0, और सीधे इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ठीक, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनाने सबको आती है अच्छे से। अब इसमें अगर कभी रीजन की बात करें, अगर क्वेश्चन को टफ करता है जैसे ग्रेटर देन 12 कर दे, तो ये आपका इनइक्वालिटी पोर्शन आ जाएगा। x के लिए 0, 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 > 12। क्यों 0? बिकॉज वी आर गोइंग फॉर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजन। तो 0 > 12, तो आपने कहा स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो इस लाइन से दूर का ये रीजन हम लोग शेड करते हैं। और फिर ये लाइन कैसे होगी? ये लाइन डॉटेड हो जाती है कुछ ऐसे। ठीक है, और अगर 3x + 4y < 12 हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ ऐसे, डॉटेड लाइन बना लेंगे। लेस देन है तो 0, 0 पुट करेंगे, 0 < 12 तो आ जाएगा आपका ट्रू, तो आपका ये रीजन हो जाएगा। तब आप फिर इस रीजन में हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक, ये टाइप नंबर 1 हुआ स्टेट लाइन का, टाइप नंबर ये 2 हुआ। टाइप नंबर 3 में आएगा 3x + 4y > 12। ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तब उस केस में आप अपनी डार्क लाइन बनाएंगे। डार्क बोले तो सीधे ऐसे स्ट्रेट, जब 0, 0 पुट करेंगे, 0 > 12, तो रीजन आया क्या? फॉल्स। तो रीजन तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके कारण बाय डिफॉल्ट विद दिस वन साइन, विद रेफरेंस टू दिस वन साइन, तो इस साइन की वजह से, तो इस साइन की वजह से आपको इसको टच करते हुए ऐसे मूवमेंट करना लाइक दिस वन, तो आपका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा। तो ये आ गया आपका फोर्थ, थर्ड वाला। फोर्थ क्या होगा? 3x + 4y < 12। आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी लेस देन इक्वल टू, तो आपको कुछ ये रीजन मिलेगा आपको। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, आज हमारा जो टॉपिक था एरिया बाउंडेड रीजन, ग्राफ के मैंने स्ट्रक्चर बताया। सिंपल लाइन बन सकती है, ग्रेटर देन बन सकती है, इधर चला जाएगा, लेस देन बन सकता है, ग्रेटर इक्वल बन सकता है, लेस देन इक्वल बन सकता है। ये 3 से 4 तरह की कैटेगरी है जो आपसे स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम उसको दोबारा ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हम एरिया चैप्टर को आगे अच्छे से पढ़ सके। ठीक, फिर हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि इस एरिया के बाद, इसी ग्राफ यानी स्ट्रेट लाइन के बाद, मैं डिस्कशन लेवल पे आ रहा हूं सर्कल का। इसको जरा ध्यान से करेंगे, सर्कल का कैसे ग्राफ बनाते हैं, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है x - h² / y - k² = r² ये होता है सर्कल का जनरल फॉर्मूला। और हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे ये रहा जैसे h और k, तो ये h है, ये आपका k, तो ये सेंटर होता है। जनरली क्या पूछता है, जैसे 0, 0 कर लेता तो सर्कल का ये प्लेटफॉर्म ज्यादा आता है, x² + y² = a², तो सेंटर क्या हो गए 0, 0, ये रहा 0, 0, रेडियस कितनी है a, तो ये रहा a, 0 और ये होगा 0, a। तो सर्कल का ये वाला बहुत अच्छे से देखना ध्यान से, जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो सर्कल के कुछ इस तरह से बना लेंगे। पैराबोला में कोई खास ज्यादा आपसे परेशानी नहीं करवाएंगे क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ग्राफ ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे पैराबोला के। यानी अगर y² = 4ax है तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे प्लॉट होगा। अगर y² = -4ax है तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से प्लॉट करना है। x² = 4ay है तो ग्राफ आपको कैसा होगा, पॉजिटिव ऐसे जाएगा। x² = -4ay है
तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो पैराबोला में ज्यादा नहीं देखेंगे, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है एंड पैराबोला, इस तरह से आप लोग अपनी स्केचिंग करते हुए चलेंगे। ठीक, पैराबोला में अगर क्वेश्चन बहुत टफ करेगा, बहुत टफ करेगा, तो उसका स्टैंडर्ड ना देखे वो उसका एक जनरल फॉर्म में दे देगा। जैसे उसने लिखा, ध्यान से देखना इसको, y इज इक्वल टू लिखा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कह रहा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बता। अब इसकी ट्रिक्स है, पैराबोला का यही सबसे टफेस्ट है, बाकी तो चारों जनरल बन जाएंगे। अब इसको कैसे बनाए? सबसे पहले अब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। यस, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx, x स्क्वायर क्या हुआ 2x, x का क्या हुआ 1, उसको उठा के 0 कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 किया, 2x minus 1 equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 2, ये आ गया x 1 by 2, इसको पुट कर दो x की जगह, तो y आ जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 minus 1 by 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 minus 1 by 4 ये आंसर आया। तो x की वैल्यू 1 by 2, y की वैल्यू minus 1 by 4, this is what, this is known as the vertex, vertex of parabola, तो vertex of parabola मिला आपको। फिर आप x की जगह 0 पुट करते हैं, आप x की जगह 0 पुट करो तो y क्या आ गया 0, ये रहा दूसरा पॉइंट, यानी ये जो आपका पैराबोला है ओरिजिन से पास हो गया। अब इसके अपोजिट करो, इसके अपोजिट मतलब y को जगह 0 पुट करो, अगर y 0 होगा तो आपका ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो जब ये पूरा पार्ट 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो आपने पहले वर्टेक्स निकाल लिया, फिर आपने ओरिजिन निकाल लिया, फिर आपने ये 2 पॉइंट निकाल लिए, अब इनकी हेल्प से अब आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हो। पहला आपने बताया ओरिजिन, तो ये लिखा पहला ओरिजिन, दूसरा आपने बताया कि ये पास हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स माइनस 1 को 0 किया ना, तो एक्स इक्वल टू 1 भी आया, तो दूसरा पॉइंट आया एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 0 है, ये रहा एक्स की वैल्यू 1, वाई की जगह 0, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब वर्टेक्स को प्लान करें, वर्टेक्स है एक्स है 1 बाई 2, 1 है, तो ये रहा 1 बाई 2, और ये लिया मैंने वाई इक्वल टू माइनस 1, तो इसका हाफ किया माइनस 1 बाई 2, इसका भी हाफ किया तो माइनस 1 बाई 4, क्यों, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू माइनस 1 बाई 4 चाहिए, तो ये पॉइंट हुआ, यानी ये वो कॉर्डिनेट है जिसके कॉर्डिनेट जो आपने निकाले हैं एक्स है 1 बाई 2, y है माइनस 1 बाई 4, तीन पॉइंट मिले, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दें और आगे ऐसे बढ़ा दें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले y को x रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके 0 किया, वर्टेक्स आ गए, फिर मैंने x की जगह 0 पुट किया, y आ गया, पता चल गया ओरिजिन से पास हो रहा है, पहला ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये निकाला, तीसरा पॉइंट इसका रिवर्ट 0 किया, वो अपने y को 0 किया, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो x आ गया, तो तीसरा पॉइंट ये रहा तीसरा पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, तीनों को आपने ज्वाइन किया और आपने ऐसे स्केच कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सपोज दैट अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है x इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y, तो हम x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उस केस में dx अपॉन dy निकालते हैं, फिर 0 करते हैं, y की वैल्यू 1 बाई 2 आती है, उसको यहां पुट कर दे, तो x की आती वैल्यू माइनस 1 बाई 4, है ना, तो उस केस में ये वर्टेक्स होते हैं, इस केस में ये वर्टेक्स होते हैं, और फिर वही सेम प्रोसेस, y को 0 करते x 0 आया, फिर x को 0 करते y आया, मिल गया 3 पॉइंट, और फिर बना लेंगे इजीली, तो ऐसे भी हो सकता है। तो पैराबोला कहने का मतलब है, जनरल फॉर्म तो डायरेक्ट है, अगर थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म आई तो इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, वरना हमेशा आपसे जनरल फॉर्म ही पूछी जाएगी, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, और उन चारों को अभी आपने ग्राफ उससे सीखा है बनाना। ठीक, तो हमने भी स्ट्रेट लाइन को सीख लिया, अभी हमने सर्कल को सीख लिया, अब हमने किसको सीखा, पैराबोला को बनाना। इलिप्स में ज्यादा आपसे हम नहीं फंसाएंगे आपको, क्यों, क्योंकि इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू b से बड़ी होती है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी होती है, तो उस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स आता है ऐसे,
किलो बी से बड़ी होती है तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट यानी ए कॉमा जीरो और ये होता है जीरो कॉमा बी। और इसी केस में अगर ए लेस देन बी हो जाए तो जो एलिप्स है वो आपका ऐसे वर्टिकल बन जाता है। ये कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो और ये कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा बी। ये आपके एलिप्स के डायग्राम बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्कल स्ट्रेट लाइन देखा, फिर मैंने सर्कल देखा, फिर मैंने पैराबोला का बनाया, अब ये मैंने बनाया एलिप्स का। ये चारों तो फिक्स है, आने ही आने ऐसे इसमें इसपे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर मैं अब डिस्कस करता हूं मॉड फंक्शन के ऊपर, मॉड फंक्शन के ग्राफ। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। फिर से जैसे y इक्वल टू मॉड ऐसा ग्राफ बनाना है, आप सीधे जो भी ग्राफ के अंदर हुआ करे मॉड के अंदर उसको उठा के जीरो कर दिया, लेट ये x को जीरो कर दिया, पूरा जीरो हो गया तो y भी जीरो हो गया। दिस वन इज व्हाट, दिस वन नोन एज द वर्टेक्स ऑफ दिस मॉड फंक्शन। वर्टेक्स क्या है, जीरो 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 लाके ऐसे आप वी बना दो, बस दैट्स इट। ये इसका ग्राफ बन गया। सपोज दैट अगर बोलता है ग्राफ बनाइए y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, तो क्या करना, आप इसको उठा के जीरो कर दो, मॉड के अंदर जो भी लिखा है इसको जीरो किया तो x कितना आ गया, x आ गया वन। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y हो गई जीरो। तो x आ गया वन, y आ गया जीरो, सीधे आप ग्राफ में पॉइंट पहुंचे, ये रहा x इक्वल टू वन, y इक्वल टू जीरो, वन कॉमा जीरो ये रहा, तो यहाँ पे आप ऐसे वी शेप बना दीजिए। ठीक आ रहा समझो ठीक से। अब मैं अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन लिखता, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन लिखता, इसको जीरो कर लेता, इसको जीरो कर लो, x आ जाएगा माइनस वन, y इक्वल टू जीरो तो माइनस वन कहाँ होगा, माइनस वन इधर होगा, ये रहा माइनस वन कॉमा जीरो, तो यहाँ पे भी बना दो ऐसे। मॉड के अंदर जो होता है उसको जीरो करके x निकाल लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में y आ जाता है, उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, या तो x में होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे हम वी शेप को क्रिएट कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में, पैराबोला के बारे में, एलिप्स के बारे में, और अभी डिस्कस किया हमने मॉड फंक्शन के बारे में। ठीक, ये थे चार ग्राफ देखे हमने। फिर हाँ आपसे पूछ सकता है y इज इक्वल टू साइन x, इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर सकता है, और ये मैंने आपको बता रखा पहले से, पॉजिटिव वैल्यू वन, निगेटिव वैल्यू माइनस वन, क्योंकि साइन इनके बीच में ही रोटेट करता है, कहां से कहां तक, जीरो से टू पाए, इसका हाफ लिया पाए, इसका हाफ लिया पाए बाय टू, इसका हाफ लिया थ्री पाए बाय टू। पाए बाय टू पे क्या होती वैल्यू, मैक्सिमम, और पाई पे क्या हो जाता है साइन, जीरो, थ्री पाई बाय टू पे मिनिमम, टू पाई पे जीरो, एंड सो ऑन, इस तरह। तो साइन का कर्व ऐसे चलता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोला जाता है साइन के कर्व को। y इक्वल टू कॉस एक्स का भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं कॉस का भी ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ये रहा प्लस वन, ये रहा आपका माइनस वन, सेम वैल्यू, ये रही आपकी जीरो है, ये आपका टू पाई है, हाफ किया तो पाई, इसका भी हाफ किया पाई बाय टू, इसका हाफ किया थ्री पाई बाय टू। कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो, और पाई पे क्या होता है, माइनस वन, थ्री पाई बाय टू पे फिर से जीरो, और आगे ऐसे बढ़ जाता है, तो कॉस का कर्व ऐसे बढ़ता है। तो साइन का कर्व बनाया मैंने, फिर मैंने अभी बनाया कॉस का कर्व, क्लियर। तो साइन आ गया, कॉस आ गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गए, मॉड आ गया, स्ट्रेट लाइन बनानी आपको आती है। तो इस तरह से आपको ग्राफ के बारे में एनालिटिकल मेथड से पढ़ना होगा। ठीक, ये सब ग्राफिकल मेथड थे, ये आपने ग्राफ बनाना सीख लिया। अब मैं सीखता हूं आपसे, डिस्कशन कराता हूं आपके साथ कि इसके रूल्स क्या हैं, व्हाट इज द रूल्स, द रूल्स फॉर फाइंडिंग द एरिया, मतलब एरिया को कैलकुलेट करने के रूल्स क्या हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल, अगर आपका ग्राफ टुवर्ड एक्स एक्सिस में बनता है, एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, तो आप उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट कर लें। एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू बी है, तो आप एरिया निकालने जा रहे हैं। अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं ग्राफ, आपका एक्स की तरफ ऐसे जा रहा है, तो लोअर लिमिट कितनी है ए, अपर लिमिट कितनी है बी,
आप क्या करो, हमेशा लोअर लिमिट के पास एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे रखो इस तरह से, और इसको मूव करना है, ये वर्टिकल रखा और इसको ऐसे मूव करें, ऐसे करके मूव कराए कहां से, लोअर से लेके अपर तक। और यहाँ क्या लिखें, यहाँ हमेशा लिखें y dx, y की जो वैल्यू फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके और आसानी से इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाए अपर माइनस लोअर। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। x की तरफ जा रहा है तो x की लोअर और अपर लिमिट लेंगे, y dx लिखेंगे, ये फॉर्मूला एक तरह से एरिया निकालने का, y की जगह फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? ना नंबर टू, मान लीजिए ग्राफ x के नीचे आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसके क्या करें, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेक कर ले कहां से कहां तक है। तो लिखे a से b, सेम मेथड y dx, लेकिन ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव है, बट एरिया कांट भी नेगेटिव, तो आप पूरे क्वेश्चन के आगे क्या करें, ऐसे मॉड लगा दें इस पूरे का, इंटीग्रेशन का, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया एरिया कांट बी नेगेटिव, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। दिस इज योर रूल नंबर टू। प्रोसेस वही है, आप यहां से लेके ऐसे मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस। ठीक, ये था मेथड नंबर टू। अब मैं आता हूं रूल नंबर थ्री में। बाय चांस अगर आपका कर्व टुवर्ड वाई एक्सिस चला जाता है, वाई, तो अब आप अपनी लिमिट वाई के अकॉर्डिंग ले लें। लेट वाई इक्वल टू ए है, लेट वाई इक्वल टू बी है। अब एरिया क्या लिखेंगे, ए से बी y की तरफ जा रहे हैं, तो लिखेंगे x into dy, फंक्शन दिया होगा आपको y equal to fx, तो x की वैल्यू को y के टर्म में पुट कर देंगे, x की वैल्यू को y के टर्म में पुट कर देंगे और यहां हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो बन गया टाइप नंबर थ्री, जब आप मूव कर रहे होंगे टूवर्ड y एक्सिस। टाइप नंबर फोर, सेम प्रोसेस है, अगर आपका कर्व बिलो y एक्सिस आ जाता है, कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस यूज करें, ए से बी एरिया लगाया आपने, ए से बी एक्स डी इंटू डी वाई और पूरे के आगे मॉड लगा दें, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, आपका ये जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपने ऐसा किया। क्लियर? तो हमारा डिस्कशन पार्ट में क्या था, डिस्कशन पार्ट हमारा ये चल रहा है कि सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाया, सारे ग्राफ की प्रैक्टिस कर ली, कि उसके बाद हम लोग एरिया के रूल सीख रहे हैं कि कितने मेथड है, चार मेथड है, मेथड नंबर वन और मेथड नंबर थर्ड, इस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो बोलूंगा मेथड नंबर वन पे 99% बनते हैं और 1% बनेगा आपका मेथड नंबर थ्री के ऊपर। तो मेथड नंबर वन आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए कि हम एक्स एक्सिस तरफ चलेंगे, लिमिट एक्स एक्सिस की लेंगे, देन इसको इंटीग्रेट करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ये तो रहे आपके पास चार रूल, दीज आर द फोर रूल्स टू कैलकुलेट एरिया बाउंडेड रीजन। क्लियर? अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो मैंने इसको टाइप वाइज बना लिया। सबसे पहले मैंने ले लिया टाइप वन, टाइप वन में लिखा मैंने स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, इसके क्वेश्चन लिखे मैंने। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन लिखी मैंने x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने बोला फाइंड एरिया बाउंडेड रीजन बिटवीन दिस वन। अब देखिए पहला काम आपका इसका फिगर बनाना है, आपने कहा स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो ये लो जी ऐसे बना दिया आपने स्टैंडर्ड डायग्राम। लाइन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो गया, तो ये 0 है, ये 1 है, तो ये डॉट 2, ये लाइन आपने ऐसे डॉटेड बना दी ताकि आपको याद रहे। और मुझे इसका एरिया बाउंड्री रीजन ये सब निकालना, सब बोला उसने, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्या आपका ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने, ये है 2, 0। अब मैं जा रहा हूं एरिया निकालने, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर कितनी है 2। आपने देखा है तो टाइप नंबर वन है, उसी से चलते हैं।
लोअर लिमिट के पास आए और आपने ये अपनी स्ट्रिप रखी ऐसे वर्टिकल, याद रहे ये वर्टिकल स्ट्रिप रखी लोअर लिमिट के पास, जैसे मैंने अपना मार्कर रखा और मूव कराऊंगा हायर लिमिट तक, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टू तक, और क्या लिखा वाई डी एक्स। फिर क्या किया मैंने, जीरो से टू वाई, सिंगल कर्व है तो वाई की वैल्यू यहां से आएगी, वाई स्क्वायर अगर फोर एक्स है तो वाई क्या आ जाएगा रूट फोर एक्स डी एक्स, रूट फोर क्या आ जाएगा टू बाहर गया, अब बचा क्या रूट एक्स डी एक्स, और लिमिट कहां से जीरो से टू तक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मूव करके इतना ही तो पार्ट कवर करूंगा, ये पार्ट जहां मेरा पेन चल रहा है इस पार्ट को कवर कर रहा है, नीचे का पार्ट भी तो निकालना है, तो नीचे पार्ट निकालने के क्या करते हैं बाई यूजिंग सिमेट्री इसको इंटू टू और कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं इंटू टू, क्योंकि ये पार्ट तो सेम है, तो जितना ये पार्ट है इतने पार्ट निकालने के लिए मैंने टू से और मल्टीप्लाई कर लिया, ये डबल हो गया तो टू इंटू टू हो गया फोर, और रूट एक्स का अब यहां कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या होगा एक्स की पावर इंटीग्रेशन आया थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू, और लिमिट लगा रखी कहां से कहां तक जीरो से लेके टू तक, तो फोर टू जा एट अपॉन थ्री तो बाहर आ गया। अब मैं यहां पुट कर लेता हूं ब्रैकेट लगा के, पहले एक्स की जगह थ्री बाई टू माइनस जीरो तो ये, तो अब यहां तक जा सकते हैं, तो एट बाई थ्री इंटू टू की पावर थ्री बाई टू स्क्वायर यूनिट। कभी कभी हम आपको इसकी वैल्यू भी दे देंगे कि टू की पावर थ्री बाई टू यूज दिस वन, तो उसको यूज करके डायग्राम में पुट कर देंगे और यू कैन कैलकुलेट द आंसर, तो उसका आंसर भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो टाइप नंबर वन में हम क्या कर रहे थे, बड़ा ही बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम लिया, इजी क्वेश्चन लिया आपके लिए, पैराबोला और एक लाइन का केस लिया, ये कैसे इसको सिंप्लीफाई मोड में ले जाके करते हैं। ठीक, आप देखें जरा इसको, इसके बाद इसी में अभी मैं इसी कैटेगरी में हूँ टाइप वन में। ये आपने टू जो मल्टीप्लाई किया बाद में कॉमन लेने के बाद, ये समझ में नहीं आया, तो ये पार्ट दिस पार्ट का एरिया निकाला हमने, तो इस पार्ट का भी तो निकालना है, तो दोनों सिमेट्री है, तो उसको मैंने डबल कर लिया, इसलिए मैं टू से मल्टीप्लाई किया। ओके सर, ठीक, ध्यान से देखना था, ध्यान से, टर्निंग पॉइंट है। अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल डिस्कशन लेवल पे लेके चल रहे हैं। पैराबोला एक्स माइनस टू का क्या होगा फिर, एक्स माइनस टू कहाँ है, उस तो लाइन थी, एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू, अच्छा लाइन थी, लाइन ड्रॉ कर ली थी, इसको यूज नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि जो आपकी स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ पैराबोला को टच कर रही थी। ठीक है, अब उसी पार्ट में जो आप मुझसे पार्ट डिस्कशन कराना चाहते हैं, सपोज दैट अगर मैं कुछ लाइन की इक्वेशन ऐसे देता और पैराबोला की इक्वेशन देता एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, अब इसको ध्यान से देखना ये आएगा तो यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, तो आपने कहा सर ये लो जी फोर वाई बना दिया आपने। सपोज दैट मैं कोई ऐसी लाइन देता और वो लाइन कुछ इस तरह से पास होती ऐसे, वो लाइन कुछ ऐसे पास होती, कुछ इस तरह से, और मुझे बोला जाए अब आप निकालो उसका एरिया बाउंड्री, ध्यान देखना दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वही टाइप वन में चल रहा हूं। टाइप वन क्या है, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। जब कुछ ऐसा दिखे सबसे पहले आप इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लाइन कुछ होगी, सपोज दैट मैं कह रहा हूं सपोज दैट लाइन है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, मैंने केस उठाया ऐसे, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू को y की वैल्यू यहां से ले जाके यहां पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा फोर इंटू वाई, तो मैं यहां से पहले y निकाल लेता हूँ, y क्या आ जाएगा माइनस टेन माइनस टू एक्स, वाई आया माइनस टेन माइनस टू एक्स डिवाइड बाय थ्री, इसको यहां पुट कर देता हूँ माइनस टेन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, ये आपकी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी तैयार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो जाए